गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांच पार्ट है वो देखेंगे। इसमें हमें बताना है कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। देखो स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, जो रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो क्यू होगा ना, क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, टू की पावर एन हो या टू की फाइव की पावर एन हो या दोनों। तो जिसमें फैक्टर्स के टू की पावर या फाइव की पावर या दोनों में बनेंगे वो सब तो टर्मिनेटिंग है, और उसके अलावा जितने भी हैं वो सब नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, क्यू की के फैक्टर करने। तो हमने क्यू के फैक्टर किए, 3 × 5 के फैक्टर किए, ये 5 की पावर 4 हो गया। 5 की पावर 4 आ गया, तो देखो 13/5 की पावर एन के फॉर्म में है, 5 की पावर n के फॉर्म में देखिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से 17/8 में 8 के फैक्टर किए हमने, 17/2 की पावर 3 हो गया। ये देखो 2 के फैक्टर की 2 की पावर 3, ये 2 की पावर में है, इसलिए ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थर्ड वाले में 455 के हमने फैक्टर कर लिए, तो 455 में पहले 5 से फिर 7 से फिर 13 से फैक्टर किए, जिसे देखेंगे हम 64/5 × 7 × 13। अब देखो ये 5 तो आ गया, पर 5 के साथ और भी फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो 5 के साथ अदर फैक्टर आते हैं, 5 के साथ तो एक ही फैक्टर आने चाहिए या 5 ही आने चाहिए। ठीक है, अदर फैक्टर आते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, 15/1600। तो 1600 में हम फैक्टर करेंगे, 1600 में फैक्टर किए तो 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। पावर अलग अलग हो सकती है, डजंट मैटर, पर 2 और 5 ही इसके फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। ये लास्ट वाला देखते हैं, इसमें 343 के फैक्टर किए 7 से, अब 29/7 की पावर 3 आ गया, तो 2 और 5 दो में ही नहीं आए, दोनों के रूप में फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, समझ में आया, इसे आप नोट कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पार्ट्स हैं। थैंक यू।